अपने चाचा को, यानी कि हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, यानी कि तेजस्वी यादव इन दिनों काफी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो दोस्ती थी, जो देखने को चाचा भतीजे के जो रिश्ते मिल रही थी, वो काफी अच्छी थी। भले ही अब महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव का जो वो प्रेम है चाचा के ऊपर जो झलक रहा था। लेकिन अब इसी बीच बड़ा बात हो जाता है, आखिर क्यों चैलेंज कर रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर, किस बात को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के चैलेंज किए हैं, जिससे नीतीश कुमार अभी परेशान चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बड़ा चैलेंज कर दिए नीतीश कुमार को लेकर के, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के, आपको इस वीडियो में बताने जा रहे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजनीति में होने के कारण तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के विरोध की बातें भी करते हैं, लेकिन हकीकत यही है इनके बीच चाचा और भतीजे का रिश्ता रहा है। अभी भी ये दोनों एक गठबंधन में नहीं है, लेकिन आपको बता दें अभी ये दोनों एक गठबंधन में तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल नीतीश कुमार पर हमलावर है। मुद्दा आरक्षण की बढ़ी सीमा वाले कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का है। वहीं तेजस्वी अपने चाचा को इशारों में चुनौती भी दे रहे हैं। तो आपको पूरे रिपोर्ट में हम बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव हमलावर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की बढ़ी हुई आरक्षण सीमा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगे बढ़ चले हैं और केंद्र सरकार पर बिहार के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी एक तरह से चुनौती देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा ना करे तो केंद्र में नीतीश कुमार अभी ताकतवर हैं और ऐसे में उनको भाजपा पर दबाव बनाना चाहिए और बात नहीं मानी जाती है तो सरकार गिरा देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के आदमियों ने बिहार में आरक्षण को बढ़ने से रोकने का काम किया है, केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसके विषम गतियों को दूर करे, लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, सिर्फ झूठ बोलना चाहते भी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने को लेकर उन लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की थी इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तमिलनाडु की तर्ज पर इसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में नीतीश कुमार ताकतवर है और भी साथ ये तभी आरक्षण का दायरा बढ़ा था। दरअसल आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा है कि राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर प्रश्न पूछा था, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके आगे तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने देश में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवाई और 65 आरक्षण व्यवस्था लागू की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आदमियों से कोर्ट में खड़ा कराकर इसे रोकने करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सदन में सत्र के दौरान उपलब्ध नहीं रहने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध लिया है। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज दे दिया, यानी कि सरकार गिराने की बात कर रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाती तो सरकार गिरा देना चाहिए, यानी बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। आपको वहीं पर बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं होते हैं। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव चुप्पी साध लेते हैं और यहां तक कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार पर हमलावर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है तेजस्वी यादव को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक News24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक News24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।